हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है जिस पर अल्लाह सुबहाना ताला ने बेशुमार अंबिया इकराम भेजे थे, मगर ये कौम राय रास्त पर नहीं आई और अल्लाह सुबहाना ताला की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह सुबहाना ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार अनामात की बारिश भी फरमाई। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 97 में अरशादे बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया, हमारी दी हुई पकीजा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह सुबहाना ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम इमलाक से जंग करके मुल्क शाम को आजाद करवाओ, क्योंकि ये कौम जंग की माहिर थी। इसके बावजूद इन 6 लाख यहूदियों ने जंग से इनकार कर दिया। इनकी इस नाफरमानी की इनको ये सजा मिली कि वो लोग 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात को एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं पर मौजूद होते जहां से वो चले थे। इस जगह को मदाने तैया कहते हैं, यानी कि भटक जाने की जगह। कहा जाता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह सुबहाना ताला ने इसी मैदान में बेशुमार अनामात नाजिल फरमाए। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतारे जाते थे, जिनको मनोसलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तुरुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक जैसी उतारी जाती थी, और ये लोग इनको चादरों में लेकर सारा दिन खाते रहते थे। और बाद मुफस्सरीन के नजदीक मन से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्कत के बगैर अता करके इन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा बुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जनूबी हवाएं इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अर्शाद फरमाया है कि हमने तुम पर बादल का साया किया, तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया, हमारी दी हुई पकीजा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। इन लोगों के पास कोहे तूर का एक सफेद पत्थर था। जब पानी की हाजत होती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा इस पत्थर पर मारते तो बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह रबुल इज्जत ने इसको एक अजदहा बना दिया था। इसी असा की बरकत से इस पत्थर में से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह सुबहाना ताला जारी फरमा देते। धूप से बचने के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज किया करते। अल्लाह सुबहाना ताला ने इन लोगों पर इतनी अनायात की कि इनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे और ना ही कपड़े फटते और मैले होते थे। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता और जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक हर शख्स के लिए आसमान से 4 किलो उतरती। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक बुना हुआ छोटा परिंदा था। दोस्तों, मनोसलवा के बारे में रवायात में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। ये रंगो खुशबू और जायके में बेमिसाल था, पर अल्लाह सुबहाना ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानियों की सजा दी। चूँकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज के रोज खा लिया जाए सिवाय जुम्मा के, और कल के लिए बचा कर ना रखा जाए क्योंकि हफ्ते को मनोसलवा नाजिल नहीं होता था। लेकिन बाज लोगों को ये डर लग गया कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो हम इस चटल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचा उन्होंने खाने को छुपा कर कल के लिए जमा करना शुरू कर दिया। उनकी इस हरकत की वजह से ऐसी नुसत फैली कि जो कुछ उन लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए मनोसलवा उतरना बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तरीके से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था।
इन तमाम अताओं और इनामात का जिक्र अल्लाह सुबहानत ताला ने कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है। और जब तुमने मूसा से कहा, ऐ मूसा हमसे एक किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार ककड़ी गेहूँ मसूर और प्याज दे, आपने फरमाया बेहतर चीजों को छोड़कर इसके बदले अदना चीजें क्यों तलब करते हो, शहर में जाओ और वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिल जाएंगी। उन पर जिल्लत डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयात का कुफर करते और नबियों को ना हक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।